अपडेट को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस पर प्रदीप पाणिग्रही मामलें लोकायुक्त जालियाती अभियोग में सामना को आसला सांघातिक तथ्य हाइकोर्ट को अर्डर कॉपी जाली बोली स्वीकार कले रजिस्ट्रार जनरल एसएलपी प्रत्याहार सुप्रीम कोर्ट को आवेदन लोकायुक्त नैतिकता को नेउथला प्रश्न बड़ लोकों आवास नदे माड़ केन्दुझर पावर देखा विधायकों पु बिवाद विधायक बद्री पात्र पु देवाशीष पात्र सरपंचों मिसी पंचायत निर्वाही अधिकारी माड़ मारी अभोग विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ने राज्य सरकार को लेखाश्री टार्गेट कहले योजन केते लोक चिकित्सा पाई तार तथ्य रखत सरकार बिना पैसा चिकित्सा जोगाइ देवा को कही राज्यवासी को ठकुं स्मार्ट कार्ड केवल निर्वाचन फुसिंग कार्ड बहुचर्चित बारटी हत्या अपहरण घटन न्याय पाई परिवार पर हाइकोर्ट में जनस्वार्थ मामला भारतीय विकास परिषद पक्षर मामला रुजु पुलिस जाणीशु दोषी को गिरफ्त करनथिबा अभियोग घटनार सीबीआई तदंत दाबी केन्द्रापड़े आंदोलनकारी अभिनव प्रतिवाद खरस्रोता मेगा पानी जल प्रकल्प को विरोध कर लंडा हेले युवक जिलापा आवासिक कार्यालय सम्मुखें लंडा हो प्रतिवाद राज्य में संपूर्ण सरनी द्वितीय लहर आकलन कहूँ आसव तृतीय लहर पिला संक्रमण आशंका कम किंतु सुन नुहे स्कूल और घरे संक्रमण रोकवाक अभिभावक और शिक्षकों सतर्क कराइले डीएमईटी देशर झीवों पर खुशी खबर एवं झीपारे एनडीए परीक्षा सुप्रीमकोर्टू मिला सबुज संकेत दुईजिया खंडपीठ सुनाइले राय सिप सौम्यरंजन का मृत्यु मामला पंचम दिन में दुई डाक्तर मेडिकल एडीएम को जेरा संध्या जेरा हे तहसिलदार सेपटे डीएफओ बढ़ुच्च अड़ुआ विधायक प्रदीप पाणिग्रही मामलें लोकायुक्त विरोध में आसवा अभोग आउ एक बड़ खुलासा अर्गस हाथ में सांघातिक तथ्य जो छ पृष्ठ अर्डर कपी को हाइकोर्टर दर्शाई सुप्रीमकोर्ट जाते लोकायुक्त ता जाली जमापड़ हाइकोर्ट रजिस्ट्रार यह स्वीकार करते जालियाती धरा पड़ा पर आत्मसुरक्षा पर लोकायुक्त प्रयास करते विश्वास सूत्र मिलता सूचना अनुसार अर्डर को सुप्रीमकोर्ट को एसएलपी प्रत्याहार पर पिटिशन दाखल करते लोकायुक्त प्रदीप को केस्रे वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य आनी अभियोग लोकायुक्त जालियाती करथिबा कहिथिले पीतांबर आचार्य जे दुर्नीतिग्रस्त से किपरि दुर्नीतिर तदंत निर्देश देवे कहते शुणु से लोकायुक्त विरोध में कौन अभियोग आनी पीतांबर आचार्य लोकायुक्त जहाँ उपरे जिते आस्था भरोसा विश्वास रखी मान्यवर मुख्यमंत्री कहते जे विधायक से सबुठ कड़े दुर्नीतिग्रस्त ये करे ये निजे दुर्नीतिग्रस्त तेणु आप चिंता करूँ इट इज जस्ट लाइक एन अपील फ्रॉम सीजर टू सीजर ये निजे व्यभिचार में संप्रक्त जालियाती संप्रक्त सीए कड़े जालियाती विरुद्ध से अभियोग शुणा करेंगे समथिंग ए मकरी रिस्ट्रेन कर जेहेतु सी जड़े जालिया व्यक्ति एवं जड़े पूर्वतन विचारपति होकरी मान्यवर हाइकोर्टर अवमानना करने सहित गोटे अर्डर जालियाती करी से अर्डर नहीं सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज कले जड़े अनस्क्रिपुलस व्यक्ति आई रिपीट इज अनफिट टू अकुपाय ये क्वासाई जुडिशियल पोजिशन एज दि चेयरपर्सन एवं आसतु नजर पकवा पूरा घटनाक्रम उपरे कौन अभियोग आनी पीतांबर आचार्य प्रदीप को केस रे प्रदीप पाणिग्रही केस रे सरकार रेफरेन्स करथिबा कथा कहिथिले एवं जहाँ सूचना रही लोकायुक्त तो आईन अनुसार रेफरेन्स अधिकार नहीं सरकार विजिलेंस विभाग जने डीएसपी थे अभियोगकारी जे अभियोगकारी तारी हाथ में तदंत धराई देते लोकायुक्त या विरोध में विधायक प्रदीप पाणिग्रही जाते हाइकोर्ट सरकार अधीन थी विजिलेंस तदंत करे ना आवेदन ताको ग्रहण कर हाइकोर्ट लोकायुक्त निर्देश को खारज कले लोकायुक्त तो न्यायिक संस्था होते हाइकोर्ट जजमेंट को चैलेंज कले हाइकोर्ट ताक भी खारज करदे छ पेज्र अर्डर को हाइकोर्ट को अर्डर दर्शाई सुप्रीमकोर्ट को जाते लोकायुक्त जे अर्डर को नहीं जाते एक जाली अर्डर
ଅର୍ଡର ବୋଲି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଡର ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପିଟିସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର କପିରେ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୈତିକତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେସ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅନୈତିକ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଲୋକାୟୁକ୍ତ? ସରକାର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାମ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା? ପୂର୍ବରୁ ବି ବିବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ମରାମତି ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ପିପି କିଟ୍ ସ୍କାମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗଠବନ୍ଧନ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। 6 ପୃଷ୍ଠା ଅର୍ଡର କପିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜାଲି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଲିଆତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯଚାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଏବେ ଜାଲିଆତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏସ୍ଏଲ୍ପିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କେସ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା କହିଥିଲେ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ସେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଯାହା ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ବରତାର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ଗୋଟେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗନି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଲିବାନର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ତାଲିବାନମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବେ, ତେବେ କିଭଳି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଅନୁଭୂତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ। ନା, ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘର, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ସେ ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ବହୁତ ଦେଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି, ରିଲିଜ୍ ହେଲି କମ୍ପାନୀରୁ, May 5 ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଥିଲି ACFAST କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲି, ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମି ବେସ୍ରେ। ଏ ତ ବେସ୍, ଆମର ଆର୍ମି ବେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ପରେ 20 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆର୍ମି ବେସ୍ ତାଙ୍କର ବେସ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ସେଠି, ସୋଲଜର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ଆତଙ୍କବାଦ, ଆମର ତାଲିବାନମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଏଣି ଓପନ୍ଲି ବହୁତ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ସେଠିକାର ଝିଅ ବୋହୂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡରୁଥିଲେ ଆମେରିକାନମାନେ ସୋଲଜର୍ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ଅକ୍ତିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଆମେରିକାନମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରୁ ସେମାନେ ବେସ୍ ଭିତରକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ବମ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ରକେଟ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ନର୍ମାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଥିଲା। ତଥାପି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସିଭିଲିଆନମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆମର ଆର୍ମି ସୋଲଜର୍ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନଥାଏ, ଏମିତି ଭୋଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗିଛୁ ବହୁତ। ମୁଁ ସେଠି କାବୁଲରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ବାଗ୍ରାମ ବେଲି ଗୋଟେ ସହର ଥିଲା, ସେଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଏଇ କୁହାଯିବ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ସାରା ଦୁନିଆର ରାଜନୀତିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ
चेष्टा करूँ यहाँ आतंकवादी की प्रश्रय नदेपी चेष्टा करूँ सब शांति शृंखला रखा करवाई आउ से नागरिकता से स्वाधीनता फेर आने पर खबर जारी रहिबो समय चेक ब्रेक। ब्रेक्रे स्वागत। बड़ लोकंकु घर नदेले माड़ मारे बिजेडी विधायकंक पुओ बिवादरे विधायक बद्रीनारायण पात्रंक पुओ देवाशीष पात्र पुणी अड़ुआरे पावरफुल विधायकंक पुओ देवाशीष पात्र सरपंचंक सहित मिसि पंचायत निर्वाही अधिकारीकु माड़ अभियोग पूर्वरु मध्य युवती ओ पुलिसकु माड़ मारी बिवादरे थिले देवाशीष बड़ लोकंक कथा मानिले भाग न मानिले माड़ केन्दुझरु आसिछि एभली संगीन अभियोग। सेपटे पुलिस भूमिका को नहीं प्रश्न उठी ब्लॉक परिसर पंचायत निर्वाही अधिकारी आक्रमण करने सहित सरकारी कागजपत्र छिड़ाई चिरी फोपाड़ी देखते सरपंचों स्वामी थाना अभियोग कले पर लोक जीवन मारिदे धमक दि जाऊँगी। सूचना अनुसार मामला रफा देवाई 50,000 टंका जचा जाता कहुच्छे। घसीपुरा थाना खाड़ियामेटा पंचायत सरपंच प्रीतिनंदा भूं स्वामी सुरेन्द्र भूं आवास योजन सर्भे करते तेज पंचायत निर्वाही अधिकारी रामचंद्र नायक को जड़े छात घर थिबा व्यक्ति को आवास योजन सामिल करने बाध्य करते से राजी न होबारु सुरेन्द्र ब्लॉक कार्यालय परिसर में रामचंद्र को गाली गुलज करते सहित माड़ मरा जाइथिबा अभियोग होइछि। घसीपुरा थाना रे इनी अभियोग होइछि। एथिरे घसीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र पुओ देवाशीष पात्र घटनार समाधान पर रामचंद्र को चतुरतार सहित जल संपद विभाग डाक बंगला को नहीं जाइए सेठे सुरेन्द्र और देवाशीष आवास योजनार तालिका और किसी सरकारी कागजपत्र छिड़ाई चिरीदे सहित रामचंद्र को माड़ मार्थिबा अभियोग होइछि। आसार कारण आज्ञा आम उप बहुत जो प्रधानमंत्री आवास योजना घर आम जो इनक्वारी करुगुड़ा आज्ञा सरपंच मैंने बाध्यवाधकता कर पक्का घर आउ कचार कर दि मत से जो खाड़ियामेटा सरपंच स्वामी सुरेन्द्र भूं घर पाखे गोटे पक्का घर अच्छी से पक्का घर टाक सी कहते जे तो ये घरटा कचा घर कर इलिजिबल करा जाओ मु कहली ना आज्ञा पक्का घर को आम दौनु आमर गाइडलाइन ना आदि आपण मैंने आम भूल कि करें ब्लॉक वीडियो को जनातु सी गोटे टीम कर घर आसिक देखिकी सी इलिजिबल कि इनइलिजिबल कले घर दि जाओ कंप्रोमाइज करने कहले मुझे ना आज्ञा यहाँ एमती गोटे साधारण जिनस मारधर दि जाम यदि आप कथा करम चाकर भी पलैब तापर एक सुरेन्द्र भूं कहले मुझे टाँचा 50,000 टाँग दौर आओ तुम्हें यहाँ कंप्रोमाइज कर मुँह कहली मोर आज्ञा पैसा नवार ना कि दबार ना मोर आज्ञा पैसा नेबिनि से रागि जा मत भी पुणी थे माड़ मारे माड़ मारिकी मत भी टुटु भाई भी मार्ते पछपटू। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना नहीं राज्य सरकार बर्षिले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघा 2018 अगस्त आरंभ है विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। जनवरी 2019 राज्य सरकार तथ्य रखिले 1,82,00,000 लोक स्वास्थ्य सुविधा मिली एवं केते लोक चिकित्सा पाई राज्य सरकार तथ्य रखुदी लेखाश्री विभिन्न तथ्य जमापड़ विजु स्वास्थ्य कल्याण योजन महादुर्नीति होती बिना पैसा चिकित्सा जोगाई देवा कही राज्यवासी को ठकी चली। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना एक अम्ब्रेला स्किल 4-5 योजना को मिसई ये योजना करा स्वतंत्र भाव किसी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 28,00,000 लोक उपकृत होते जिला स्तर में मागणा स्वास्थ्य सुविधा पूर्व मिलूला किंतु बड़ बड़ रोग सुविधा नहीं जिला स्तर में बड़ बड़ चिकित्सा लोके कटक और भुवनेश्वर आसुवा बेले घर हस्पिटाल कार्ड ग्रहण करना कारण 50 कोटी टंका बाकी थिबारु हस्पिटाल गुड़िक कार्ड ग्रहण करना टंकाटे भी अर्थ बरात नक पंचायत पौर निर्वाचन को दृष्टि रखी फटो रखी विज्ञापन देखते मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड केवल निर्वाचन पुशिंग कार्ड बोली कहते लेखाश्री। ये जो विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हूँ गोटे महादुर्नीति गोटे बड़ स्कैम ओडिशावासी को भंडेवाई कि गोटे नुआ बढ़िया बहुत सुंदर योजना कारण टंकाटे खर्च न करी जदि आपण 82,00,000 लोक उपकृत करें ठीक से भली भाव में टंकाटे खर्च न करी आपण 135 कोटी भारतीय को भी उपकृत करते तो बिना पैसा खर्च बड़ योजनार घोषणा करी ओडिशावासी को भंडेवार बहुत बढ़िया माध्यम मुख्यमंत्री पाई।
एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला पंचम दिन में दुई डाक्तर सहित मेडिकल एडीएम को क्राइमब्रांच जेरा 12 तारीख रात एसएफ सौम्यरंजन महापात्र को चिकित्सा करथिबा दुई डाक्तर डॉक्टर अभिलाष पंडा और डॉक्टर किशोर चंद्र बेहरा सहित एडीएम प्रमोद कुमार पंडा तीन घंटा धरी जेरा करछंती। क्राइमब्रांचर चारजण टीम जेरा बेले डाक्तर कहते सौम्यरंजन को पारलाखेमुंडी मुख्य चिकित्सालय को आने समय 90-95% पोड़ जाइए। धीरे धीरे स्वास्थ्य अवस्था स्वाभाविक होता तापर मृत्युकालीन जमानबंदी निगला। इस समय तहसिलदार अच्युतानंद जानी एवं डाक्तर उपस्थित रही थे। आज सन्धार पारलाखेमुंडी तहसिल को जेरा करइमब्रांच पक्ष सूचना मिली। गतल क्राइमब्रांच हाथ में चांचल्यकर तथ्य लगी सूचना मिली। सौम्य को उद्धार बेले उपस्थित थे जिलापाल आता स्वीकार करते क्राइमब्रांच डीएसपी ज्ञानरंजन मिश्र। से कहते आवश्यक पड़े जिलापा तदंत परिसरभुक्त हो घटना को 36 दिन बीतिता बेले सहित जड़ित समस्त व्यक्ति को चली जेरा। जगुआली आंबुलांस ड्राइवर वन कर्मचारी को दिन 10:30 साढ़े 2 जाए प्राय 4.5 घंटा जेरा होता। घटना बाबद से कौन जानते सौम्यों देह में निआ लगी खबर क्या पाखु शुणी से सब घन घन प्रश्न पचारे जाए 8 जन को पचराउचरा सर। घटना दिन राति 8 बेले खुद जिलापाल डीएफओ घर को जाते गुरुतर एसएफ को मेडिकल नेबा बेले जिलापाल उपस्थित थिबा कथा जगली बयान देते। सौम्यों रहस्यजनक मृत्यु मामलें तदंत जीक आगे से नुआ चरित्र तथ्य सामना को आसुच्छे। पुलिस उपस्थित थी से कहते पुलिस बाहर उपस्थित था तो मेन्टेन लो अंडर मेन्टेन कर नहीं आज पर द स्टेटमेंट डीएफओ डाइंग डिक्लेरेशन उपस्थित नथिले से बाहर उपस्थित थे। आज तहसीलदार को पचरा उचरा कर मैटर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिसाब से डाइंग डिक्लेरेशन थी। संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक। जितेन्द्र जी समय बीतुच्छे से नुआ तथ्य और नुआ चरित्र भी माने आड होती सौम्यों मृत्यु मामलें तेज पंचम दिन में क्राइमब्रांच तदंत पहुंची तदंत कि भाव में चलती अपडेट कौन रही जितेन्द्र देखु नीलिमा एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र सन्देहजनक मृत्यु जो घटना जीक दिन बीती जाते रहस्यमय हो घटना और पुलिस जो व्यक्ति मानू छाड़ी तदंत परिसर को आनी ना से व्यक्ति मानू क्राइमब्रांच निजे तदंत परिसर को आनी से नुआ नुआ तथ्य सह नुआ नुआ जिनस कथा सामना को आसपरी भाव में गत काली जो डीएफओ ऑफिस को जगुआली गेट फाटक जगुआली जे से चांचल्यकर बयान देते जे घटना दिन जिलापाल उपस्थित थे। ये घटना संपुक्त जो जो व्यक्ति मैंने अंतु समस्त जेरा कर आज सका एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र को पाराखंडी मुख्य चिकित्सालय चिकित्सा करुवा दुई डाक्टर को क्राइमब्रांच जेरा कर प्रथम एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र देह 95% बंद होता से ही समय डॉक्टर से चिकित्सा करते कि देह टे सुधरिया पर टे सुस्थवा जा तार मृत्यु कारण जमानबंदी निजी डॉक्टर किंतु एटे बड़ प्रश्न होती जदि 95% बंद हो जाता लोक केमी बा मृत्युकालीन जमानबंदी दे गोटे बड़ प्रश्न होती आज संध्या 4 पर आई समय पर जहा अच्युतानंद जानी जी अच्छा पारखंड तहसीलदार से दिन जी उपस्थित थे जेरा कर क्राइमब्रांच नीलिमा। धन्यवाद जितेन्द्र। ये प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक। तेज एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें पंचम दिन में दुई डाक्तर सहित मेडिकल एडीएम को क्राइमब्रांच जेरा कर प्राय जहाँ सूचना रही रही दुई डाक्तर अभिलाष पंडा और डॉक्टर किशोर चंद्र बेहरा सहित एडीएम प्रमोद कुमार पंडा को प्राय 3 घंटा धरी क्राइमब्रांच जेरा कर सूचना रही। राज्यर बहुचर्चित 12 हत्या अपहरण घटन न्याय पाइन परिवार पर हाइकोर्टे जनस्वार्थ मामला रुजु। भारत विकास परिषद पक्षर जनस्वार्थ मामला रुजु हो हत्याकारी मानकु पुलिस गिरफ नक केस को थाना जाणीशुनी रफादफा कर फाइनाल रिपोर्ट करण ए नेता मंत्री और विधायकों ना सामिल रही सबुआ निराश हो फेरला हाइकोर्ट को द्वारस्थ होती 12 परिवार घटनार सीबीआई तदंत दावी कर
राज्यरे कोरोना स्थितिरे उन्नति आसीछि किंतु द्वितीय लहर संपूर्ण शेष होइनि। अनेक आकलन करिछन्ति तृतीय लहर आसीबो तार मुकाबला एबे बड़ चिंता किंतु लोक माने कोविड नियम पालन कले संभाव्य तृतीय लहर को रोका जाय पारिबो बोली डीएमटी कहिछन्ति। सेपरी जन्मरु 18 वर्ष मध्यरे पिलांक संक्रमण रोकिबा को अभिभावक और शिक्षक शिक्षयित्री को सतर्क रहिबाकु पड़िबो कारण सेमाने संक्रमित होले शिशु आक्रांत हेबे। शिशुक ठारे सीवियरिटी कम रहुछि अनेक लक्षणहीन रहुछन्ति स्वल्प लक्षण देखा जाउछि हस्पिटालाइजेशन कम रहुछि आईसीयू आवश्यकता भी कम रहुछि तेणु संक्रमण आशंका कम किंतु शून्य नुहे। सेरो सर्वे रिपोर्ट कहुछि पिलामाने भी संक्रमित होउछन्ति तांको शरीर भितरकु भी भूताणु जाउछि सेमानकर भी आंटीबॉडी सृष्टि होउछि बोली कहिछन्ति डीएमटी सिविके महंती। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ବି ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ବି କହିଛି ଯେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 17 ତାରିଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀଟା ବି ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଯଦିଓ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 700-800 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଲା ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିପାରେ ଯଦି ବି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା। ଆମେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଲୁ ସବୁ କଲୁ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ସେପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସିରୋ ସର୍ଭେ କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଓ ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟର କେତେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଏହା କରାଯିବ। ପୂର୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ସିରୋ ସର୍ଭେରେ ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ସିରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ 0-10 ବର୍ଷ ବୟସର 3.5% ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ 10-18 ବର୍ଷର 8-8.5% ପିଲା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ଡେଲ୍ଟାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 12% ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ତୃତୀୟ ଲହରେ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣର ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେରୋ ସର୍ଭେ କେବଳ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିବେ। ଏଇଟା ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ୍ କରି କରାଯିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପିଲା ବି ତାଦେହରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସେରୋ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରା ହେବ। ନାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ବାନ୍ ସବୁ କହିବା ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ୍ କରାଯାଏ, ସେ ରାଣ୍ଡମ୍ ପିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠୁ ନେଇକି କରିପାରିବେ କିଛି ଅସ୍ତା। ଏବେ ଝିଅମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ବା NDA ପରୀକ୍ଷା, ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ସବୁଜ ସଂକେତ। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଚାର କରି ଏ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ NDA ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନଦେଇ ସ୍ଥଳସେନା ଲିଙ୍ଗଭେଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଣିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଐତିହାସିକ ଫୈସଲା ଇସଲିଏ ହି ଜବ ସେ NDA ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟ୍ରୀ କଲେଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଲିଟ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ତବ ଆଜ ତକ ଓମେନ୍ସ କୋ ଗର୍ଲସ କୋ ଏଗ୍ଜାମ ଦେନେ ମେ ଉନମେ ଇକ୍ୱାଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନେ କେ ଲିଏ ବଏଜ କେ ବରାବର ନହିଁ ଦେତେ ଥେ। ଲେକିନ ଏ ଅନରେବଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେ ଫୈସଲେ କି ୱଜହ ସେ ଦୋଜ ଓମେନ ଜିନ୍ହୋନେ ଫର୍ମ ଭରା ହେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟ୍ରୀ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ NDA
एनडीए की एग्जाम 5 सितंबर को है, उनको अलाउ कर दिया है कि एनडीए के एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की एग्जाम 28 को है, 28 अगस्त, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको अलाउ कर दिया है। समय बुलेटिन को नमस्कार।